हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एसएससी किरण 10,500 प्लस बुक से ज्योमेट्री का टाइप 10 का क्वेश्चंस नंबर 85 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस 85 नंबर आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई परीक्षा 7 जून 2019 को प्रथम पाली में। क्वेश्चंस का लैंग्वेज है कि चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर्गत एक वृत्त है। ये आपको देखना चाहिए, चतुर्भुज है ए बी सी डी के अंदर में एक वृत्त है और ए बी का इस प्रकार से बिंदु पी है और बी सी का बिंदु क्यू है और सी डी पर बिंदु क्या है आर है और डी ए पर बिंदु एस है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया गया है क्वेश्चंस में बीपी 4 एसडी 6 और बीसी 7। हमने लिख दिया है बीपी 4 एसडी 6 और ये सीबी या बीसी 7 है तो सीडी की लंबाई आपको निकालना है। यहाँ एक थ्योरम होता है, 10th क्लास में या 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है। तो ये अगर जो बिंदु बी को हम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी लंबाई आपका क्या होगा, ये भी लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर की होगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका बाह्य बिंदु है तो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये 4 तो ये भी 4। अब ये टोटल आपका 7 दिया है तो ये 4 हो गया तो ये कितना होगा, 3 होगा। अब ये देखिए, ये 6 दिया है तो ये भी आपका 6 होगा क्योंकि ये आपका वृत्त का बाह्य बिंदु है तो ये स्पर्श रेखा DS और DR आपस में बराबर होगी। ये 6 तो ये भी 6। तो अब देखिए यहां पर ये 3 तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं क्योंकि ये आपका वृत्त का बाह्य बिंदु है तो CR बराबर CQ होगा। आपसे क्या पूछ रहा था, DC की लंबाई, तो DC की लंबाई कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 85 का दिया गया है 9 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 आपका पूछा गया है एसएससी सीरियल टीयर 1 सीबी परीक्षा 7 जून 2019 को द्वितीय पाली में। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी एक वृत्त का व्यास है और वह वृत्त बिंदु ए बी सी और डी से गुजरती है। यदि कोण ए डी सी 130 डिग्री है तो कोण बी ए सी की माप बताइए। यहाँ क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है, एबीसीडी आपका चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी और ए बी आपका क्या है, वृत्त का व्यास है, वो वृत्त का केंद्र है और दिया है एडीसी 130 डिग्री, एडीसी ये वाला कोण 130 डिग्री दिया है तो आपसे पूछ रहा है कोण बीएसी का मान बताइए। बीएसी मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, जो तो बहुत ही इजी है। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये कोण हमें निकालना है तो आप सबसे पहले जानते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये कोण आपका डी और ये कोण आपका बी दोनों का योगफल कितना होगा, 180। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। डेट मीन्स कहने का मतलब कोण डी आपका है 130 डिग्री तो कोण बी कितना होगा कि 180 डिग्री हो जाए। तो ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं 130 में हम 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोण बी का मान कितना होगा, 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री। अब देखिए कोण बी 50 हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर कोण सी आपको दिखना चाहिए कि ये आपका व्यास है तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है यानी कि कोण ए सी बी कितना हो गया, ए सी बी 90 डिग्री हो गया, ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए इसमें तो ये 50 है ये 90 है तो 90 50 कितना हो गया, 9 5 14 140 तो ये 40 डिग्री ही होगा तो आपका आंसर हो गया कितना, 40 डिग्री। और 40 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है 86 का, देखिए एक नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है। यहाँ पर आप डिटेल में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण सी ए बी या बी ए सी बराबर 180 डिग्री टोटल इस त्रिभुज का योगफल होगा जिसमें से 90 और 50 हमें पता है तो 90 और 50 को जोड़कर हमने घटा दिया तो 90 50 से 140 तो 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 आ गया। तो शॉर्टकट यूज करेंगे इतना आपको कैलकुलेशन आता होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई परीक्षा 7 जून 2019 को द्वितीय पाली में। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी क्यू और पी आर दो समान जीवाएं हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जीवा क्यू आर की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। ये कोई आपका सेंटर ऑफ सर्किल है, सेंटर इसका वो है, ये आपका वृत्त है जिसमें आपको दिया गया है कि पी आर और पी क्यू समान लंबाई के दो जीवाएं हैं और लंबाई दिया है पी आर 12 तो यहाँ पर से पी क्यू भी 12 क्योंकि दोनों जीवा समान है।
अब यहाँ पर से वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ओ आर या ओ क्यू या ओ पी आपका वृत्त का त्रिज्या है। यहाँ हम लिख देते हैं ओ पी या ओ क्यू या ओ आर आपका क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, दैट मीन्स कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये क्यू आर, मतलब क्यू आर की लंबाई हमें निकालना है कितना होगा जो। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले कोई भी ये दोनों त्रिभुज में से, जैसे ये त्रिभुज का नाम हम देते हैं तो क्यू ओ पी, मतलब त्रिभुज क्यू ओ पी, इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका डबल ये हो जाएगा, मतलब टोटल, यानी कि क्यू एन जो है इसका डबल कर देंगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा क्यू आर। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्यू एन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे इससे निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिए यहां पर हम इस प्रकार से फिगर भी ड्रा कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां देखिए ये आपका क्या है, क्यू है, ये आपका ओ है, और ये कितना है आपका पी है, और ये आपका कितना है बता चुके हैं हम, ये आपका ओपी भी 10 सेंटीमीटर का है, यहां पर देख सकते हैं ओपी 10 सेंटीमीटर का, ओक्यू भी कितना 10 सेंटीमीटर का, और क्यूपी या पीक्यू कितना है 12 सेंटीमीटर का। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल तीनों भुजा अलग अलग है तो क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र से, डेट मीन्स कहने का मतलब यहां पर हम लिख रहे हैं देखिए एस बराबर, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमिति ए प्लस बी प्लस सी बटा दो करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब तीनों को जोड़कर बटा दो, तो 12 प्लस 10 प्लस 10 बटा दो, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 20 10 30 दो 32 बटा दो, कहने का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमिति कितना हो गया 16। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्यू ओ पी, क्यू ओ पी क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस कितना, ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो फॉर्मूला होता है आप पढ़े होंगे, तो इसका यूज करते हैं यहां पर। देखिए रूट अंडर एस का मान कितना 16 इंटू 16 माइनस पहले 12 तो 4, फिर 16 माइनस 10 तो कितना 6, 16 माइनस 10 तो 6, इसे हल कर देंगे तो बहुत ही इजी वे में बना लेंगे। देखिए सबसे पहले 16 चौके 64, या जैसे भी कर सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 2 6 के बदले 1 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 चौक 48 हो गया। डेट मीन्स कहने का मतलब ये आपका एरिया अब इसका कितना चलाया 48 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये इस प्रकार से यहां पर देखिए आपका ये लंब है, क्या है यहां पर आपको नाम दिया गया है, ये एन है, ये 10 सेंटीमीटर तो ये लंबाई है ही, और ये आपका क्या है एन है। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ पी बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार आपका क्या है ओपी, ओपी आपका क्या है आधार, और ऊंचाई इसका क्या है तो क्यू एन है ऊंचाई। क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 48 बराबर 1/2 गुना आधार ओपी को हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर है, क्यू एन यहां से निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो 48 गुने 96, 96/10 यानी कि क्यू एन का लंबाई कितना हो जाएगा 96/10, तो हम बोल सकते हैं क्यू एन कितना हो गया 9.6 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यू आर, तो क्यू आर क्लियरली दिखना चाहिए आपको, क्यू आर की लंबाई टोटल यानी कि क्यू एन का डबल है, यानी कि ये आपका 9.6 हो गया तो ये भी आपका 9.6 होगा, यानी कि क्यू आर बराबर 9.6 प्लस 9.6, डेट मीन्स कहने का मतलब कितना हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 87 का देखिए कितना दिया गया है, ये 19.2 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 आपका पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई परीक्षा 7 जून 2019 को तृतीय पाली में क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं ए बी और सी डी समानांतर है, एक वृत्त के केंद्र ओ के एक ही तरफ दोनों जीवा है, यदि जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास बताइए। ये देखिए वृत्त का केंद्र के एक ही तरफ दो जीवा है ए बी और सी डी, ए बी की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई दिया है 11 सेंटीमीटर, और दोनों जीवा ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सर्कल बताना है, वृत्त का व्यास कितना होगा। तो देखिए बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहे हैं, सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, मतलब सीडी की लंबाई कितना 11 सेंटीमीटर है तो यह आपका 5.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से एबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो यह आपका 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चंस के अनुसार यहां पर आपको
इस प्रकार से ड्रा करना होगा। जैसे ये अगर जो हम यहां से देखिए, ये इस प्रकार से ड्रा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा एक तरह से वृत्त का रेडियस, और यहां से भी हम ड्रा करेंगे अगर जो इसे इस प्रकार से केंद्र से हमने मिलाया इस पॉइंट को, यानी कि ए से ओ को मिला देंगे, तो ये भी आपका क्या है, रेडियस है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले इसे हम ओ एफ की लंबाई हमें नहीं पता है तो इसे एक्सम मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में हम नाम दे देते हैं। पहला ट्रायंगल मान लीजिए कि यही ओ सी एफ, यानी कि ओ सी एफ इसमें, एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, मतलब ओ ए ई, ट्रायंगल ओ ए ई इसमें, दोनों से आपको आर निकालना है। और ये पता होना चाहिए कि ये आपका 90 डिग्री है और यहां पर भी आपको 90 डिग्री है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं तो यहां पर वो 90 डिग्री इस प्रकार से दिखा दिए हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में OCF में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका ये कर्ण है आर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 5.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर प्लस ये कितना एक्स का स्क्वायर। एंड उसी प्रकार से OAE में देखिए, OAE में OA आपका क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है मतलब कर्ण है, तो आर स्क्वायर बराबर यहां पर क्या होगा ये, यानी कि 2.5 का स्क्वायर, यानी कि 2.5 का स्क्वायर, और प्लस ये लंबाई क्या है OE आपका है x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों का LHS आर स्क्वायर है तो RHS भी समान होगा, यानी कि 5.5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2.5 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसे ब्रेक कर ले, 5.5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 के 30, इस प्रकार से मतलब 30.25 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं 6.25 हो जाएगा, और प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा 6.25 प्लस 9, यानी कि 15.25 इधर हम घटा लेंगे, यानी कि 30.25 में से कितना घटावेंगे 15.25, और ये 6x के बराबर होगा तो घटावेंगे तो यहां पर से आपको 15.00 होगा ना, इतना बराबर 6x, दैट मींस कहने का मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 15/6, यानी कि कैंसिल करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हुआ, x का वैल्यू भी कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, x का वैल्यू भी हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, ये सबसे पहले रेडियस निकाल लीजिए, व्यास आपको निकालना है तो व्यास बराबर होता है 2 times ऑफ त्रिज्या, दैट मींस कहने का मतलब यहां सबसे पहले हम x का मान 2.5 जो आया यहां पर रख देंगे तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे समीकरण किस में रखे हैं तो ज्यादा इजी होगा इसमें रख देते हैं, सिंस आपका आर स्क्वायर बराबर क्या था 5.5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स के जगह पर हम 2.5 रख सकते हैं ना, यानी कि 5.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, x का वैल्यू हमने 2.5 रख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो 5.5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा, इसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, दैट मींस कहने का मतलब 30.25, और प्लस इसे भी आप लिख सकते हैं 6.25, अब जोड़ेंगे तो 36.50 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल आपको अगर जो पूरा पूरी नहीं पता है तो इसे फ्रैक्शन में पहले लिख लीजिए, या आप जानते हैं कि 6 point something होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आर स्क्वायर का मान 36.50 है तो आर का मान 6 point तो कुछ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 6 point something होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 2 times ऑफ मतलब इतना हो जाएगा 6 point something हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा 12 point something होगा इस प्रकार से। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन 12 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर एक में आपका लिखा गया है 37 सेंटीमीटर, कितना लिखा ऑप्शन नंबर एक 37 सेंटीमीटर, जबकि आ रहा है हमें 12 सेंटीमीटर, तो ये तो आपका नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन आपका है कितना है √146, तो √146 के पहले वाला वर्ग संख्या कितना होता है 144, तो 144 कितना होता है 12 का स्क्वायर, यानी कि ये 12 पॉइंट समथिंग है, बराबर है 44 है, तो ये आपका हो सकता है आंसर। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन से √142, तो ये 142 है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब ये 11 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, 12 पॉइंट कुछ होना चाहिए। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन आपका है 38 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब यहां पर लिख देते हैं हम ये कितना हो गया √146 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कितना है 2 number options। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हमने आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही सटीक सोल्यूशन एजीबी में दिया,
इसका सोल्यूशन। अगर जो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ गुरु का मेरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप चैनल को होम पेज में जाएंगे और वहां पर चैनल वाले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मैथ गुरु लिखा रहेगा और उस पर आप क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब कर ले और वहां पर भी देखें कि हमने क्या क्या बताया है। एसएससी किरण 11000 प्लस से उस चैनल पर हम सोल्यूशन दे रहे हैं और ज्योमेट्री का पहला टाइप वन भी पूरा क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस नंबर आपका कितना होगा, ये 89 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस नंबर आपका कितना था, 88 था, 89 से हम स्टार्ट करेंगे और जल्द ही इस जो टाइप 10 को हम चला रहे हैं बहुत ही जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल आपको दो वीडियो इसका हम देंगे, आज ये शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देते हैं, यानी कि कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में है ही, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को रिवाइज जरूर करते रहे। तो इस प्रकार से अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर ले। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि क्या क्या हमने बताया हुआ है।